घर के सामने खेल रही मेरी लाली, उसके संग बलात्कार किया उसने। मेरी बच्ची को खेत में ले जाके लड़की के कपड़े उतार के, उसके बाद में मैंने बोला कि भैया मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बच्चे और मेरे पति रास्ता देख रहे होंगे। तो बोले आप कैसे जा सकते, बोले आपको हमने 2 लाख में खरीदा है। हर जगह शेड्यूल कास्ट तो हर जगह दबा देते हैं, गरीब आदमी है, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो मतलब वो पैसे में था, उसका ट्रक बस चल रहे हैं। उसने हमको धमकी दी थी कि मैंने 10-20 लाख रुपए तो पुलिस के लिए रख रखा है। मैंने ठीक है तेरे 10-20 लाख हम देख लेंगे, हम कानून कार्रवाई हम करेंगे, हम राजीनामा नहीं करेंगे। माई बदमाश है कि बेटी भी, जिसकी बेटी बदमाश, ऐसे बोल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की छोटे कपड़ा पहनती है, वह भी कहीं 2 साल की बच्ची है, वह भी कहीं वह जान सके कहीं। तो एक तो ये भी रहता है कि उनकी सही टाइम पे एफआईआर नहीं हो पाती है, क्योंकि घटना होने के बाद में जैसे ही विक्टिम फैमिली अगर एफआईआर दर्ज करवाने जाएगी तो आरोपी किसी ना किसी नेता है ना राजनीतिक पॉलिटिकल से वहाँ से बात कर लेगा, थाने पे बात करवा देगा, तो वो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा। वो चाहते हैं कि केस में कम्प्रोमाइज़ हो जाए। पारिवारिक गलत ठहराता है, फिर मोहल्ले में मालूम होती है, मोहल्ला भी गलत ठहराता है उसको। वो तो यही बोलता है कि यार ये भाई बहन की कमी है या इसका कुछ बिगाड़ है पहले से ही। इनकेस में घटना होने के बाद में एक जाति पंचायत बैठती है, 10-12 लोगों की बैठती है। वो जो जाति पंचायत जो फिक्स कर देती है कि हाँ ये आपका केस है, आपके केस में इतने पैसे लेगा, आप केस में समझौता कर लो, तो इन लोगों को वही करना पड़ता है। बहुत सारे केस ऐसे हैं कि विक्टिम की एक्विटी से शादी करवा दी जाती है। आज मैंने तो दुख देखा, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की महिला या बच्ची ना देखे। हम बहुत जगह गए, बहुत स्टेट में गए, जिले में गए, वहाँ पे बोलते कि यार महिला हूँ तो मोबाइल फोन रखती, इसलिए उसके साथ में बलात्कार होता है। भाई महिलाओं शाम को बाहर निकलती है, गलत टाइम पे बाहर निकलती, इसलिए उसके साथ में बलात्कार होता है। तो हम या फिर छोटे कपड़े पहनती है बच्चे हैं, इसलिए उनके साथ में बलात्कार करते हैं। वी ट्राई टू क्रिएट अ इंडिया वेयर द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड द सेक्सुअल वायलेंस और रेप स्टॉप एंड द वुमेन एंड चिल्ड्रन फील सेफ। जब उनको शर्म नहीं आ रही करने वाले को, तो हमको क्यों शर्म आएगी? हम बोलेंगे, बराबर से लड़ेंगे उनसे, ये हमारे सोच है। आंखों में शर्म, क्योंकि हम भी महिला आदमी के बराबरी पे चलने चाहते हैं। आदमी कभी दबाते रहे तो हम नहीं दबते, हम भी सामने करते हैं।